नमस्ते सुकत जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, रॉयल हॉर्स चैनल पर। सबसे पहले आपका पूरा नाम बता दीजिए, आपके फार्म का नाम, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद शौकत है और सर फार्म का तो अभी नाम नहीं रखा है, अभी शिफ्ट किया है। पहले घर पे ही रखते थे घोड़े, अच्छा। और फार्म का नाम तो अब करेंगे डिसाइड। हाँ, और ये लोकेशन दोनों सांवरिया जी के बीच में है अच्छा, दोनों सांवरिया जी के बीच में। जी, चित्तौड़ जिला है हमारा हाँ, और दोनों सांवरिया जी के बीच में है। तो लोकेशन की टेंशन ही नहीं हाँ, ढूंढने की लोकेशन ना। की हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है बाकी अपने कितने साल हो गए घोड़े घोड़ी रखते रखते? जी। सर हमारे तो बचपन से, हमारे तो फैमिली में 40 साल 35 साल से घोड़े हैं। अच्छा, 40 साल 35 साल से। अच्छा, हाँ बाकी आप अभी दोनों ब्रदर ही काम जी करते जी जी हो। बाकी अपना प्रॉपर ट्रेडिंग का आते रहते हैं, मैं रोज देखता रहता हूँ, पोस्ट है जी न्यू एंट्री सर रोज। काम यही करते हैं अपन अच्छा, तो, अब काम तो करना ही पड़ेगा तो अभी अपने पास टोटल कितने हंसवे हैं अभी सर। अपने पास करीब 14-15 जानवर है अभी। अभी के टाइम में? 14-15 हाँ, है। करीब 4-5 फिलीज है और एक कोल्ट है और दो नुकरे घोड़े हैं अच्छा, तो और बाकी घोड़ियां हैं अपन नुकरे भी रखते हैं। जी, नुकरे भी रखते हैं। अच्छा, अपने ये सेल परचेज का चलता रहता है। हाँ, सेल परचेज का भी है, करीब 5-6 घोड़ियां हैं, उनसे ब्रीडिंग करते हैं हमारे घर अच्छा, में, 5-6 अपनी फिक्स हो, कभी फिक्स सेल ही नहीं घोड़ियां। हाँ, वो करते। सेल नहीं करते तो अभी अपने ये सामने ये फिली है, इसकी क्या डिटेल्स है, क्या सर। ये फिटिंग है? करीब 12 महीने की हो गई है अच्छा, ये 12 महीने की फिली है। जी, और ये दिलशान की है। अच्छा, दिलशान जी, फूल सिंह जी। हाँ, फूल हाँ सिंह जी वाला दिलशान। हाँ अच्छा, उनके टॉप रिजल्ट्स में से एक है, हाँ जी, हाँ जी, काफी कंडीशन 12 महीने की, तो काफी अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी साइज, अच्छी ग्रोथ है और कट कंडीशन अच्छे हैं। दिलशान के बच्चे वैसे ही अच्छे हैं हाँ, दिलशान के तो काफी अच्छे हैं, और काफी इसकी। रिजल्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, काफी शो जीत रहे हैं उसके बच्चे हाँ, दिलशान सही के। बात है, अच्छा घोड़ा है दिलशान। दिलशान आलीशान का हो गया हाँ, भाई। दिलशान आलीशान का हो और इसकी गया। डैम साइड से बात करें तो डैम साइड इसकी अशोक की है। अशोक की, रत्नागढ़ हाँ लाइन। हाँ रत्नागर लाइन की। अच्छा, तो डैम का भी डीएनए वीएनए हाँ, कंप्लीट? माँ का भी डीएनए करवा दिया है और जो माँ का फादर है अशोक, उसका भी डीएनए करवा दिया है। अच्छा, तो ये दोनों टाइप से, हाँ, दोनों दोनों तरफ से साइड डीएनए, से डीएनए टाइप मिलेगी बिल्कुल आपको। बिल्कुल, माँ का और बाप का, दोनों का डीएनए मैच हो गया अशोक से। अच्छा, माँ का हो गया अशोक से मैच। अब इसका आप कराएंगे तो फिर दिलशान का भी, दिलशान का भी डीएनए हो रखा है वैसे। अच्छा, दिलशान का डीएनए हुआ हुआ। हाँ तो अभी ये हाइट वाइट तो आपने नापी नहीं होगी नहीं अभी? सर, हाइट तो अभी 12 महीने की बच्ची की हाँ, क्या तो हाइट नापते ही नहीं नापेंगे, है। पर अच्छी हाइट करेगी, कम से कम 63-63 की घोड़ी बन जाएगी। आराम से, वहाँ भी आप 62+ बता रहे हाँ, हो। माँ 62 की घोड़ी है। बाकी अपने पास और यही फीली लाइन की है, और भी अपने पास कितने क्या अपने है इसके? पास 4-5 फिली है लाइन की। 4-5 फिलीज है लाइन की। हाँ, अच्छा, अपने पास वो भी अपन आगे कांधे, दिखाएंगे कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे तो ये फिली आपका सेल करने का है या फिर? सर। अच्छे दाम लगेंगे तो कर देंगे सेल, अपना तो काम ही यही है। हाँ, ठीक अच्छे दाम लगने चाहिए, है, चीज की कदर करनी चाहिए। अच्छी हाँ, तैयार हो रही है, जो चीज की कीमत है वो मिल जाएगी तो दे देंगे, उसमें अभी कोई उन कितने जने उसकी खाली मेटिंग फीस में मांगे तो वो तो मिल। सही बात है, वो थोड़ी होता है क्या, वो तो हाँ चीज अच्छी है तो अच्छा, अच्छी रेट मिलेगी तो दे देंगे, ऐसा हाँ कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये अपने ही पे जन्मी है या फिर आप परचेस नहीं, करेंगे? अच्छा, ये हमने खरीदी है और ये उधर जालोर साइड में जन्मी है। जालोर बेल्ट से आप खरीद के हाँ लाए हो? हाँ जालोर बेल्ट के तो लोग ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए हमको। सही बात है, अच्छा, इसकी माँ भी वही खड़ी है। माँ वहीं पे है अभी? हाँ माँ के भी पहले वाले भी ठान देखे हाँ अच्छे ठान है, अच्छे देती है बच्चे वो। हुए। तो आप यूं इतने घोड़ी घोड़ी सेल करते हो, भवरिया भवरिया देखते हो, भवरिया सेलिंग में? क्योंकि देखो, मतलब सेल परचेज में भवरिया बाकी देखनी हम पड़ती मानते नहीं है कि है। भंवरी में क्या है क्या नहीं है, बाकी हाँ सेल परचेज के लिए देखनी पड़ती है, बाकी क्योंकि अपन वापिस को आगे आगे, वापस से सेल करनी है तो वो आगे वाला हाँ देखेगा। वो देखनी पड़ती है। हाँ, तो मेनली कौन कौन सी भवरिया देखते हैं ये थोड़ा हम सा एक तो आप? ये सामने वाली भंवरी देखते हैं सबसे मेन यही देखी जाती है। सामने मेन, और दूसरी ये है कि ये सीने में भंवरी नहीं होनी चाहिए, और नीचे वो चिट्टा जो गोम जिसको बोलते हाँ, हैं तो वो नहीं। सीने में ये भवरी होती है, इसको देवमन और सीने में भवरी का दोनों में क्या फर्क आता है? सर सीने में देवमन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊपरला, या गर्दन से ऊपर का जो पार्ट है ना, सीने से जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको बोलते हैं देवमन, और जो सीने में का जो पार्ट में बवरी या उस देवमन जैसा आता है ना, उसको वो हिरदावल बोलते अच्छा, हैं। इरदा बोलो, उसको हाँ अशुभ मानते हैं। हाँ उसको अशुभ मानते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, ये तो सब ऊपर वाले ने बनाई हुई चीज है, इसमें अपन क्या कमी निकालेंगे। बाकी भवरी के मामले में अपन बात करते हैं, सबसे पहले रुपल गोड़ी नाम याद आता है, कितना हाँ नाम किया, सही सब बात सारी है, खराब भवरी है हाँ उसमें। वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जानवर के ना, उसके मालिक के जो लेन देन होती है ना वो होता है। बाकी रुपल गोड़ी ने पूरा नाम उनका, उन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही भवरी बात तो है। वहां पे फेल हो जाती है, हाँ सेंस ही नहीं है।
भंवरी का तो हम खुद भी भंवरी नहीं देखते हैं। बाकी बच्ची बहुत शानदार है, एटीट्यूड भी अच्छी, बच्ची अच्छी शो क्वालिटी, बच्ची अच्छी बनेगी बच्ची। अच्छा ठीक है सुकृत जी, धन्यवाद आपका। ओके साहब।